जम्मू से सीधे माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए मंगलवार को एक नई हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। बेस कैंप कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर के करीब सांझी छत के बीच एक और हेलीकॉप्टर सेवा पहले से मौजूद है। आज की जो पहली जम्मू पंछी यात्री सेवा से जो लोग हमारे पास पहुंचे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कि बोर्ड की तरफ से हमेशा ही प्रयास रहता है कि यात्री सुविधाओं को और बेहतर किया जा सके, और बहुत से हमारे यात्री खास करके जो दूर के इलाकों से आते हैं या विदेश से आते हैं उनके लिए समय की कमी होने की वजह से कई बार उनकी तरफ से ऐसा फीडबैक आया था कि जम्मू से भवन की डायरेक्ट हेली सेवा और जिसके अंदर दर्शन की सुविधा भी रहे, विक्रम जी के दर्शन भी रहे और वापसी की सुविधा भी उसके अंदर इंक्लूडेड होता कि कम से कम समय में। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल एक दिन में मैक्सिमम 25 लोग ही हेलीकॉप्टर सेवा का फायदा उठा सकते हैं। नई हेलीकॉप्टर सेवा के पैकेज में विशेष पूजा प्रसाद और उन यात्रियों के लिए बोर्डिंग सुविधा भी शामिल है जो रात भर मंदिर में रुकना चाहते हैं। इसके अंदर दो तरीके के जो है पैकेजेस हैं। सबसे पहले जो सेम डे रिटर्न है वो 35,000 का है, जिसके अंदर आने जाने की जो हेली टिकट है उसके अंदर हेलीपैड से भवन तक की बैटरी कार सेवा और उसके अलावा दर्शन प्रसाद और भैरव जी की रोपिक टिकट शामिल है। और जो नेक्स्ट डे रिटर्न सुविधा है वो 60,000 का पैकेज है, जिसके अंदर SSVP जो हमारी विशेष पूजा रहती है वो भी उसके अंदर सम्मिलित है। तो दो किस्म के पैकेजेज हैं और कुल मिलाकर 25 लोग डेली इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जम्मू का माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल में शामिल है, जहां हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु दर्शन और पूजा के लिए आते हैं।